वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सारे भाई बहुत ही अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 PM और अभी मैं आ चुका हूँ पुणे सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर दूर। मेरे साथ स्नेहा, हम दोनों घूमने आए थे नेशनल कंज्यूमर फेयर जो कि अकोडी के नियर बाई आता है। अगर आपने शॉर्ट्स ब्लॉग देखा होगा तो आपको स्नेहा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो उनको मैं बता दूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अचानक से डिस्कशन होते हुए हमारा प्लान बन गया कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं, इसलिए इतनी लेट हम लोग आए हैं घूमने। नाइट का टाइम होने की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन काफी तेज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करना, और ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है। आप सारे भाई इस वाले ब्लॉग को पूरा देख लेना ताकि हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट होने में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, और सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैं टिकट काउंटर पर नहीं गया, मैंने स्नेहा को पीछे लाइन में लगा दिया। धीरे धीरे लाइन खत्म हुई और हमारी बारी आई। यहाँ पे हमने दो टिकट लिया, एक टिकट का प्राइस 150 था। हमारा एक्साइटमेंट लेवल आसमान में था, हमें नहीं पता था कि अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लग चुके हैं लाइन में, यहाँ से हमारा एंट्री होगा। दिन में धूप काफी तेज होती है जिसकी वजह से ये बंद होता है, इसलिए आप लोग भी आना तो शाम के टाइम ही आना, और शाम के टाइम घूमने का मजा ही अलग होगा। सिक्योरिटी भी यहाँ की बहुत ज्यादा टाइट है, हमने उनको अपना टिकट सबमिट कर दिया। अभी टाइम है हम लोगों को अंदर जाने का, बाहर से तो वैसे काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत लाइट की वजह से मैं यहाँ का पार्ट स्किप कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइटिंग और रिफ्लेक्शन हो रही थी। अंदर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, मुझे लगा पहले कि मैं दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ, बट ऐसा नहीं है। इन रास्तों से होके ही आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन रास्तों पे जाते हुए आप बोर फील नहीं करेंगे, बिकॉज इधर भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ। गुफा के दोनों साइड एक्वेरियम लगे हुए हैं और साथ में उनमें डिफरेंट टाइप के फिश भी रखे हुए हैं। मैंने जो फिश नहीं देखा है वो आपको दिखा दूंगा, और जो देखा है वो तो आप लोग पहले से ही देखे होंगे। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कवर करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये जो छोटी छोटी फिश है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें बहुत सारे कलर है, मैंने पहली बार इतने कलर के छोटे छोटे फिश देखे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यार रियली यहाँ पे आने के बाद लगता है कि मैं तो मार्स पे आ गया हूँ। राइट लेफ्ट एंड ऊपर की तरफ तीनों साइड मुझे सिर्फ और सिर्फ मछलियां दिख रही थी। यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का भीड़ था, फिर भी किसी तरह मैं बच के धीरे धीरे आगे की तरफ निकलने लगा। इस वाले यूनिवर्स में आके मुझे लगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया, बट ऐसा नहीं था। इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीज मुझे आगे देखने के लिए मिलने वाली है। मेरा नजर अचानक से इस साइड गया और मैं तो एकदम से हैरान हो गया यार, इतनी सारी मछलियां झुंड में एक साथ खड़ी थी और लोग उसके सामने खड़े होकर फोटो ले रहे थे। मैंने भी एक दो फोटो निकाला जो कि बैक कैमरा है। वैसे तो एक्वेरियम में आपने 2-3 फिश एक साथ देखा होगा, बट यहाँ पे काफी सारी फिश एक साथ बंद थी तो मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस वाले एरिया में सिर्फ बेबी शार्क्स थे जो कि आप देख रहे हो आगे की साइड, ये सब छोटे छोटे शार्क्स मछली है। पिंक लाइट की वजह से जब मछलियों के ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नजारा है, लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे पॉम्पलेट फिश दिखता है जो कि आप लोगों ने खाया भी होगा आई थिंक, बट ये यहाँ पे एक्वेरियम में रखा था। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे फिश की साइज बढ़ती हुई दिख रही है, और मैं एक्साइटेड था कि यार यहाँ पे सबसे बड़ी फिश कितनी बड़ी होगी। स्नेहा के स्माइल से पता चल रहा है कि यार वो काफी ज्यादा हैप्पी है इस वाले जगह पे आके। हैप्पी तो वैसे मैं भी हूँ, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो फाइनली मेरी नजर जिस चीज को तलाश रही थी वो चीज मुझे दिख गई है। मैं यहाँ पे देख रहा था कि सबसे बड़ी फिश किधर मिलेगी, और यहाँ के एंडिंग होते ही मुझे सबसे बड़ी फिश दिख गई। यहाँ पे 3 फिश थी और तीनों का साइज आप देख सकते हो काफी बड़ा था, और पहली बार इतनी बड़ी फिश मैंने लाइफ में देखी है। खैर यहाँ का सीन खत्म हो चुका है, आप निकलते हैं आगे। यहाँ पे आने के बाद दिखता है हमें पेरिस टावर का स्ट्रक्चर जिसपे काफी ज्यादा लाइटिंग की गई थी और काफी ज्यादा ग्लो दिख रहा था वो। स्नेहा ने यहाँ फोटो लेने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। फोटो वोटो लेने के बाद हम निकलते हैं अंदर की तरफ। अंदर इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे शॉपिंग करने वाली चीजें मिलेंगी आपको, छोटे छोटे स्टॉल बने हुए, और यहाँ पे आपको कपड़े, ज्वेलरी, बच्चों के लिए खिलौने, बुक्स वगैरह सारी चीजों की स्टॉल इधर लगी हुई है। वैसे थोड़े बहुत स्टॉल मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पे मिल रहे थे डिफरेंट टाइप के टॉय जो की मैंने पहले कभी देखे भी नहीं थे। साथ ही में यहाँ पे मुझे एक सबसे अच्छा चीज दिखा, यहाँ पे एक मैजिक पॉइंट करके स्टॉल था जहाँ पे बच्चों के लिए मैजिक का बुक मिल रहा था, उसके अंदर मैजिक के काफी ज्यादा टिप्स लिखे हुए थे। अभी हम शॉपिंग नहीं करेंगे, बिकॉज अगर अभी मैंने शॉपिंग कर लिया तो हमें चीजों को हाथ में लेके पूरी जगह घूमनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही में हमें दिखा बुक का स्टॉल, यहाँ पे आप किलो के अकॉर्डिंग बुक्स ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नॉवेल्स भी मिलेंगे आपको, हैंडमेड कुर्ता, हैंडमेड स्लीपर, हर चीजों का छोटा छोटा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था। साथ ही में मुझे दिखा पिकल का स्टॉल। पिकल का स्टॉल देखते ही उसकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गई, बट मैंने सोचा कि चलो यार इधर से जल्दी से निकल जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए जेम्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज वगैरह मिल रही थी। सारे भाई से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा
से कमेंट करके आपको बताना है कि हमारी ब्लॉग्स आपको कैसी लगती है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे था गन बलून शूटिंग, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगता है। पहले स्नेहा ट्राई कर रही है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। वैसे ये 5 शॉट के 50 रुपीज लेते हैं। अगर आपने 5 शॉट में से एक भी मिस नहीं किया तो आपको प्राइज मिलेगी, बट ये लोग यहाँ पे स्कैम करते हैं। ये लोग 5 में से 1 छोटी गोली डाल देते हैं जिससे आपकी 1 शॉट मिस हो जाएगी। खैर, हमने पूरे 150 रुपये वेस्ट करके आगे की तरफ आ चुके हैं। अंदर आने के बाद आपको दिखेगी काफी ज्यादा खाने पीने वाली स्टॉल, साथ में डिफरेंट टाइप के झूले भी है। यहाँ पे हम लोगों को झूला झूलना था, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के झूले थे और हम लोग कंफ्यूज थे कि यार पहले कौन सा झूलने वाले हैं हम। हमने डिसाइड किया कि पहले हम जॉइंट व्हील झूला झूलेंगे। आप सामने देख सकते हो और वो बहुत ही बड़ा झूला था। जल्दी से जाके अभी हम लेंगे जॉइंट व्हील का टिकट, और देखना ये है कि जॉइंट व्हील के टिकट का प्राइस कितना है। वैसे 1-2 शॉट मैंने इसका लिया है, देख सकते हो कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ये। मुझे तो झूले से थोड़ा बहुत डर भी लगता है, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है, पूरे 300 के 2 टिकट हुए। ऑलरेडी हमने 300 रुपये गेट पे भी पे किया था। अक्सर मुझे झूले पे उल्टियाँ आ जाती है, बट ये चीज़ मैं स्नेहा को बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये मैं बताऊंगा तो मेरा इंसल्ट भी हो जाएगा और उसका मूड भी खराब हो जाएगा। हमसे पहले वाला राउंड स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और भी लोग वहाँ पे सीढ़ी पे वेट कर रहे हैं, बट हम उनके बाद है। फाइनली हम झूले में बैठ चुके हैं। अभी ऊपर जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि ऊपर से एक्चुअल कैसा दिखता है। मैंने थोड़ा सा पार्ट इसलिए स्किप किया क्योंकि मेरे GoPro का बैटरी हो गया था डेड। मैंने स्टार्टिंग में आपको सामने वाला पेरिस टावर दिखाया था और ऊपर से इस तरीके का कुछ व्यू आता है। जैसे जैसे झूले की स्पीड बढ़ रही थी, मुझे तो चक्कर की तरह आ रहा था, बट स्नेहा जो मेरे साथ बैठी थी वो तो एकदम मजे में एंजॉय कर रही थी। झूला जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मुझे तो एकदम से चक्कर आने लगता है, जिसकी वजह से मैं आंख बंद कर लेता हूँ। पीक पॉइंट में हम दोनों ने एक छोटा सा क्लिप लिया खुद का। झूला का मजा लेने के बाद अभी टाइम है यहाँ से आगे की तरफ निकलने का। अभी टाइम है कुछ खाऊंगा पहले जाके। समझ नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या पहले खाएं। यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो स्टार्टर फूड ही था, तो हम सोचे कि पहले हम चल के आइसक्रीम खाते हैं। मैंने खुद के लिए आइसक्रीम चूज किया और स्नेहा ने खुद के लिए मोजिटो चूज किया। ये कपकोन वाली आइसक्रीम वैसे मार्केट में आपको 20 रुपीज की मिल जाएगी, बट यहाँ पे भैया ने मेरे 60 रुपीज चार्ज किए। ये बन रहा है मोजिटो स्नेहा के लिए। स्नेहा ने बताया कि मोजिटो का टेस्ट बहुत ही बुरा था, साथ में मेरे आइसक्रीम का टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था। टाइम है अभी पानी पूरी खाने का। आप सारे भाई से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।